मान लो कि कभी घर में मेहमान आ गया, या तो घर में कुछ अच्छा डिलीशियस खाने का मन कर रहा है। सो मन में ऐसा भी हो सकता है कि आज कुछ इटालियन खाना खाए। अभी इटालियन में क्या आता है? पिज़्ज़ा आता है। सो पिज़्ज़ा घर में हम लोग बना सकते हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जिनका घर में माइक्रोवेव नहीं है, वो क्या कर सकते? वो बना सकते हैं? वो क्या एन्जॉयमेंट ले सकते हैं पिज़्ज़ा का? ऑब्वियसली ले सकता है, इसीलिए तो है बॉन्ग बाइसेप्स। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। आज मैं बेसिकली बनाने वाला हूँ पिज़्ज़ा जो कि विदाउट माइक्रोवेव। इससे पहले भी मैंने एक बार ब्लॉग बनाया था, मैं अपलोड किया कि नहीं वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, और पूरा प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस मैंने उसमें नहीं दिखाया था। अगर अपलोड भी किया होगा, थोड़ा सा प्रोसेस मैंने दिखाया था, एंटायर प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया। सो आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे मैं घर में विदाउट माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे सब्ज़ी, जो टॉपिंग करने के लिए जो सब्ज़ी काटना होता है वो यहाँ पे है। थोड़ा सा चिकन के लिए मैंने पकौड़ा ला लिया, टॉपिंग के लिए यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये दोनों सॉस है मेरे पास। बेस तो बनाने का मेरे पास कुछ ये नहीं है और बनाना मेरे को नहीं आता, सो खरीद के मैंने लाया जो मेरे को पड़ा कुछ 30 रुपीज़ का। मेन चीज़ तो मैंने दिखाना भूल ही गया, जो सबसे मेन चीज़ है पिज़्ज़ा का वो है चीज़। सो ये मोज़रेला चीज़ है, सबसे बेस्ट होता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए मोज़रेला चीज़, सबसे बेस्ट, एकदम कम हीट में गल जाएगा। और पिज़्ज़ा बेस अगर ला रहे हो तो ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हीट में रखोगे फटाफट गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा चीज़ और पूरा ऊपर बिखर जाएगा, और खाने में भी मतलब लजीज हो जाएगा। सो अभी आते हैं बेस पे। बेस बेसिकली शॉर्ट एंड बहुत ही सिंपल बेस है। बेसिकली ये एक नॉर्मल फ्राई पैन है। फ्राई पैन अगर लोहे का होगा तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या किया मैंने, नमक डाल दिया और ऐसा छोटा वाला एक कटोरा लिया जो इसके ऊपर मैंने ऐसे डाल दिया। ये हो गया एक पहला बेस। अभी इसके ऊपर ये प्लेट रहेगा। सो जैसे ही मेरा ये वाला बेस कंप्लीट हो जाएगा टॉपिंग करना, इसको मैं लेके इसके ऊपर ऐसे डालूँगा और ऊपर से ये वाला एक प्लेट ऐसा फोल्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, नीचे का जो हीट है, यहाँ से जो हीट मारेगा वो ये वो टोटल पैन को गर्म करेगा। उसके बाद उसका गर्मी आएगा लेकिन ऊपर निकल नहीं पाएगा। सो क्या होगा, वो गर्मी से भाप बनके जो माइक्रोवेव में हम लोगों का होता है चारों तरफ से हीट देता है, वो सेम चीज़ इसमें भी काम करने वाला है। सो अभी मैं पहले पिज़्ज़ा को टॉपिंग करता हूँ। शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिंग ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि घर में कैसे शॉर्ट एंड सिंपल आप टॉपिंग कर सकते हैं। तो बेस मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अभी जो चाहिए हम लोग को, एक फॉक चाहिए। तो इससे हम लोग कैसा करेंगे, एक डॉट डॉट छेद कर देंगे तो अंदर का जो हीट रहेगा वो बाहर आएगा, बाहर का जो हीट रहेगा वो अंदर जाएगा। तो क्या होगा, पिज़्ज़ा पूरा फूलेगा और पूरा सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा, जैसे हम लोग डोमिनोज में, फिर पिज़्ज़ा हट में, ये सब जगह में हम लोग खाते हैं। ज़्यादा छेद नहीं करना, थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर छेद रहता है। सो इसको नॉर्मली सिर्फ हम लोग थोड़ा बहुत कर देंगे। ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, सो ये वाला, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा लपेट देंगे, इसके ऊपर पूरा लपेट देंगे पूरा। जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग ये वाला डाल सकते हैं, या तो आप चीज़ से भी इसके ऊपर दे के फिर थोड़ा बहुत ओरिगैनो, फिर चिली फ्लेक्स, उसके बाद ये मसाला, फिर चिकन, ये सब कुछ करके सकते हो। वो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। ज़्यादा स्पाइसी बनाने से उन लोगों को भी तकलीफ है। अभी थोड़ा सा ऑरिगैनो हम लोग डाल देंगे इसके ऊपर, जस्ट थोड़ा सा से घिस दूंगा पूरा। थोड़ा सा देने वाला हूँ प्याज, थोड़ा सा कैप्सिकम,
ऐसे दे सकते हो इसके ऊपर। तो मेरा सब्जी का टॉपिंग, चिकन का टॉपिंग, ये सब कुछ हो गया है। अभी इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा के लिए चाहिए वो है चिली फ्लेक्स, वो फिर से और एक बार हम लोग देंगे थोड़ा सा जस्ट, क्योंकि ज़्यादा चिली फ्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा स्पाइसी बना देगा, और ज़्यादा स्पाइसी उतना अच्छा नहीं लगता। अगर हाँ आप स्पाइसी फेवरेट हो तो आप स्पाइसी डाल सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली सही रहेगा। सो ये मैं ऑरिगेनो डाल रहा हूँ। ऑरिगैनो भी मैंने डाल दिया, मोजरेला चीज, सो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ काम खत्म हो गया है। यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा ऑरिगेनो दे दिया, और जितना भी मेरे पास चीज़ बचा था मैंने डाल दिया इसमें। अभी इसको टॉपिंग करने के लिए प्रॉपर जितना चीज़ चाहिए मैं इसमें चीज़ डालने वाला हूँ, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मिल्क मिस्ट का। बेसिकली ये आप कोई भी जगह में आपको मिल जाएगा, डस्ट वाला एक चीज़ आता है जो हम लोग पिज़्ज़ा के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। सो ये बेसिकली ऐसा टाइप का होता है पूरा डस्ट। तो मेरा चीज़ का टॉपिंग हो गया कंप्लीट। अभी लास्ट फाइनल टच जो हम देने वाले हैं वो है चीज़, मतलब चीज़ सॉरी बोल रहा हूँ, पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस, जो कि ये है फन फूड का। सो ये वाला मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरा टॉपिंग यहाँ पे हो गया है ख़त्म, एकदम लजीज वाला लग रहा है। अभी करते हैं हम लोगों का बेस गरम। यहाँ पे हम लोगों ने चालू कर दिया है, स्विच डाल दिया है, यहाँ पे ऑन हो गया है, यहाँ पे गर्म हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें डालने वाले हैं। सो अभी मैं इसको उठा के इसके अंदर रखने वाला हूँ। सो ये देख लो, कुछ ऐसे मैंने रख दिया है पिज़्ज़ा को। अभी ऐसे जैसे ही ये वाला हो जाएगा कवर्ड, क्या करेंगे हम लोग इसको इसके ऊपर डाल देंगे, इसके ऊपर इसको डाल दिया। ये सबसे इजी प्रोसेस होता है पिज़्ज़ा बनाने का घर में, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है और शॉर्ट एंड सिंपल घर में मेहमान आ गया है, या तो जल्दी जल्दी आपको खाना है, या फिर कम पैसों में आपको अगर पिज़्ज़ा खाना है, तो ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। सो इसको आप अप्लाई कर सकते हो घर में, मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा वाला तरीका है। और इसके लिए हम लोगों को 15 से 20 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा होने के लिए। अगर आप बेस बना के घर में बेस बनाना आता है आपको, घर में बेस बना के कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा लग सकता है, 45 मिनट्स तो एक घंटा भी लग सकता है। लेकिन अगर बेस खरीद के आप ला रहे हो तो ऑलरेडी वो पका हुआ है, सिर्फ ऊपर का सब्ज़ी वगैरह को आपको बॉईल करना है। सो इसके लिए आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। सो हम लोग भी 15 से 20 मिनट के अंदर इस ढक्कन को उठाएंगे, तब तक के लिए ये ऐसे ही ढका रहेगा। तो जब तक मेरा एक पिज़्ज़ा यहाँ पे बन रहा है, तब तक एक को मैंने टॉपिंग करके ख़त्म कर दिया। जैसे ही ये वाला रेडी हो जाएगा इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा, और ये भी बन जाएगा, और ये जब तक बनेगा तब तक इसको मैं पेल दूंगा, मार दूंगा, खा लूँगा, काट लूँगा, पेल दूंगा। ये सब कुछ मैंने अंडमान में आके सीखा है। यहाँ पे बेसिकली ये लोग ऐसे ही बोलते हैं खाना खाने को, मतलब इन्जॉयमेंट में बोलता है बेसिकली। सो ये भी बात मैंने यहाँ आके ही सीखा है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज मैंने जितना भी, मैं तो ये बात मानता हूँ कि मेरा जितना भी इंग्लिश बोलो, जितना भी हिंदी बोलो, अगर कम्फर्टेबल हुआ है मैं बोल सकता हूँ इतना अच्छे से फ्लुएंटली, वो सिर्फ अंडमान में आके ही मेरा हुआ है। इससे पहले तो कभी भी हिंदी बातों का ज़रूरत भी नहीं पड़ता था, अगर होता भी बहुत रुक रुक के बोलना पड़ता था, लेकिन यहाँ आके फ्लुएंसी, हिंदी का तो फ्लुएंसी बहुत बढ़ गया है। अभी रही बात इंग्लिश का, वो भी हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम करके भी वो भी उसको भी मैं पॉलिश करके पूरा हिंदी के जैसा स्मूथ बना दूंगा। तो ये बन चुका है हम लोगों का पिज़्ज़ा। तो ये एक स्लाइस मेरे पास, एक स्लाइस पीयू के पास है, पीयू अभी खा रहा है।
और मैं अभी अपना पिज़्ज़ा का स्लाइस इंजॉय करने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरे को लगता है क्रंची टाइप का हो गया। थोड़ा सा चीज साइड खाया गया। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, एक बार घर में ट्राई करके देखो।